मेरे साथ है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत प्रियंका चोपड़ा, जिनके लिए आज बहुत ही खास दिन है। क्या खास दिन है हम उन्हीं से पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ज़ूम प्रियंका। थैंक यू सो मच। मौका बताइए क्या खास है। मेरे वीडियो का लॉन्च भी था आज इंडिया में। वीडियो का नाम एग्जॉटिक है एंड इट फीचर्स पिटबुल एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक। वी गॉट नंबर वन इन इंडिया इन आईट्यून्स चार्ट ऑलरेडी इन वन डे एंड हाफ टू डेज एंड वो पॉप सॉन्ग्स के साथ कभी होता नहीं है ना, बिकॉज बॉलीवुड इज सो सच अ बिग मोनोपोली। टेल अस योर एक्सपीरियंस, कैसे फर्स्ट आपके जहन में आया कि यू नो मुझे ये एल्बम करना है या मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, खुद की सिंगिंग करनी है। वो तो मैंने 17 साल पे किया था जब मैं मिस वर्ल्ड बनी थी। इस बार ऐसा सोच नहीं था, मेरे को यूनिवर्सल ने अप्रोच किया, उनका आइडिया था एक्चुअली। आई वॉज वेरी बिजी विद यू नो एक्टिंग करने में उस समय जब यूनिवर्सल आए मेरे पास कि यू नो वी वांट टू डू दिस, एंड आई सेड नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है अभी, कैसे मैं कर सकती हूँ। आई वॉज डूइंग सात खून माफ, आई वॉज डूइंग बर्फी, आई वॉज डूइंग ऑल दिस रियली डिफिकल्ट फिल्म्स। सो दे सेड नहीं आप बस सुनो, लेट्स जस्ट कम टू द बूथ, जस्ट सी, एंड आई सिंग, आई यूज टू सिंग जस्ट फॉर फन, यू नो सिंगिंग इज माई सोल, आई लव म्यूजिक। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है ट्राई करके देखते हैं। आई लाइक थिंग्स दैट यू नो मेरी क्यूरियोसिटी को कोई चीज़ कीड़ा करे ना तो आई गेट वेरी एक्साइटेड। सो आई सेड ओके, वी वेंट टू लंदन, वी गॉट इन टू द बूथ, आई स्टार्टेड सिंगिंग इट, आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक, आई स्टार्टेड सिटिंग विद म्यूजिशियंस एंड स्लोली स्लोली इंटरस्कोप आ गए, रेड वन आ गया एंड स्लोली स्लोली पूरा ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया विच आई नेवर थॉट इट वुड बी। एग्जॉटिक की बात आती है तो प्रियंका चोपड़ा के जहन में क्या बात आती है, क्या मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन योर माइंड? मुंबई की बारिश मेरे लिए तो बहुत एग्जॉटिक है। आई लव मुंबई की बारिश, मैं खुश होती हूँ रेन्स में। मैं गाड़ी में बैठ के आप जितनी लंबी ड्राइव पे ले जाओ, ट्रैफिक वैफिक कुछ पता नहीं चलता मुझे, आई लव द रेन। प्रियंका ये बताइए कि अब आप सिंगर हो गए हैं तो बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के लिए आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे, लाइक कौन सी कौन होगा वो? सबसे पहले तो अपने लिए मैं एक एक्ट्रेस भी तो हूँ, आई थिंक दैट वुड बी कूल। मैंने अभी तक किया नहीं है एंड मैंने अभी अपनी नई फिल्म प्लेन्स के लिए जो August 23rd को रिलीज होगी, जो डिज्नी की एनिमेशन फिल्म है, उसके लिए गाया है मैंने पहली बार अपने, विच वॉज एनिमेशन, सो इज रियली क्यूट कि यू नो मैं अपनी आवाज़ एक प्लेन को दे रही हूँ, जिस तरह से मैंने गाया उस तरह से उसके एक्सप्रेशन बने, सो इट्स वेरी क्यूट। एंड रणबीर सेड कि अब तेरी मेरी गाड़ी में, अब रणबीर कपूर की गाड़ी में अब प्रियंका चोपड़ा के ही गाने बजेंगे, तो यू रिमेंबर दैट कि रणबीर ने ऐसे कुछ कहा था, तो वट यू वॉन्ट टू से ऑन दिस कि अब बाकी और भी एक्टर्स, यंग एक्टर्स की गाड़ियों में अब प्रियंका चोपड़ा के गाने बजेंगे? आई होप सो, आई होप बहुत अच्छा उनको इतना अच्छा लगे कि यू नो वो अपनी गाड़ियों में बजाएं, अपनी पार्टीज में बजाएं। रणबीर ने तो बर्फी के टाइम सुना था, रणबीर अनुराग सर ने, एंड जब वो एल्बम सुन रहे थे एंड इनफैक्ट दिस वाज देयर फेवरेट पिक। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से पूछा था ना, सारे को एक्टर्स से, ये वाला गाना है ये वाला, सो मोस्ट पीपल हैड पिक्ड एक्सोटिक टू बी द नेक्स्ट सिंगर। एक प्रेशर भी था आपको कि जाहिर है सिर्फ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आपका एल्बम देखा जाएगा, लुक भी इंपॉर्टेंट होगा, तो जो खूबसूरत जो लुक थे आपके 5 डिफरेंट लुक्स, तो बताइए किसने डिज़ाइन किया एंड व्हाट्स योर इनपुट कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऐसे कुछ चाहिए? इनपुट तो हमेशा होता ही है क्योंकि मैं खुद ही पहनती हूँ ना, मेरी लाइक आई एम नॉट पर्टिकुलर कि मैं कैसे कपड़े पहनूँ, बट लेकिन मुझे आई लाइक अ डिफरेंट स्टाइल, लाइक आई डोंट लाइक कन्वेंशनल थिंग्स लिटिल बिट, एंड मुझे मीटूज नहीं अच्छे लगते कि उसकी तरह लगना है मुझे, आई नेवर वॉन्टेड दैट। सो जिज़ेल जो है मेरी जो स्टाइलिस्ट थी हमारी न्यूयॉर्क से जो है, उसने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लुक्स लाई थी, बट आई डेंट वॉन्टेड टू बी इतना एक्सट्रीम कि यू नो मैं कोई वॉनबी लगने लगूँ या फिर, एंड एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू बी सिंपल, यू नो जस्ट सेक्सी सिंपल एग्जॉटिक। लेट्स हो प्रियंका कि आप रिहाना या इंटरनेशनल जो भी स्टार्स हैं, लेकिन हमारी देसी स्टार उन स्टार से भी एक कदम 100 कदम आगे जाए। थैंक्स सो मच जूम से बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जॉटिक, थैंक्स सो मच फॉर टॉकिंग टू। कैमरामैन कैलाश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई।